छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। वही लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 3 सीट महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव लोकसभा में आज नामांकन जमा करने का अंतिम तारीख है। राजनांदगांव लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार संतोष पांडे पर्चा दाखिल करने के लिए सूबे के मुखिया विष्णुदेव साई सहित दोनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव के साथ पहुंचे हुए थे। इसके साथ छत्तीसगढ़ प्रभारी नितिन नबीन भी वहां पहुंचे हुए थे। भव्य रैली और आम सभा का आयोजन किया गया था। आज राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के हमारे पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार श्री संतोष पांडे जी का नॉमिनेशन फाइल किए हैं और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के एसोसिएट अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारी सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, विजय शर्मा जी और पार्टी के बहुत वरिष्ठ जन की उपस्थिति में नॉमिनेशन फाइल किए हैं और आदरणीय संतोष पांडे जी आने वाला चुनाव को प्रचंड मतों से जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।